हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पार्टनरशिप फंडामेंटल कॉन्सेप्ट में कुछ इम्पॉर्टेंट कैलकुलेशन एंड उसके अकाउंटिंग ट्रीटमेंट के बारे में जानेंगे। सबसे पहले हम लोग कैलकुलेशन एंड अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की बात करें। कैलकुलेशन कैसे किया जाएगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का? कैपिटल इंटू रेट बाई 100 इंटू टाइम फैक्टर। इफ़ इसलिए क्योंकि टाइम फैक्टर हर जगह अप्लाई नहीं होता है। अगर फुल ईयर का इंटरेस्ट कैलकुलेट करना होगा तो टाइम फैक्टर अप्लाई नहीं होगा, लेकिन अगर कंप्लीट ईयर का इंटरेस्ट हमको फाइंड आउट नहीं करना है तो टाइम फैक्टर अप्लाई किए जाएंगे। सपोज़ अगर हमको 9 मंथ का इंटरेस्ट निकालना है तो 9/12, 6 मंथ का निकालना है 6/12, 10 मंथ का निकालना है 10/12। तो क्वेश्चन पर डिपेंड करता है कि टाइम फैक्टर अप्लाई होगा या नहीं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के फॉर्मूला, कैपिटल इंटू रेट बाई 100 इंटू टाइम फैक्टर इफ, ये ऑलवेज ध्यान रखेंगे। इट इज़ ऑलवेज रिमेंबर डैट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज कैलकुलेटेड ऑन द ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल। इफ ओपनिंग कैपिटल इज नॉट गिवन इन द क्वेश्चन, देन फर्स्ट ऑफ ऑल ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल इज कैलकुलेटेड एज फॉलोज। हमेशा ध्यान रखेंगे कि ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल पर ही इंटरेस्ट निकलता है, लेकिन अगर ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल नहीं दिया हुआ है तो सबसे पहले हमें ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल निकालना है। कैसे इसकी बात करें तो ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल को फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले हम लोगों को क्लोजिंग कैपिटल लेना है, इसमें ड्राइंग को हमें ऐड कर देना है और शेयर ऑफ प्रॉफिट और एडिशनल कैपिटल को इसमें से माइनस कर देना है। तो हमें ओपनिंग कैपिटल पता चल जाएगा पार्टनर्स का। ध्यान रखेंगे मे बी पॉसिबल है क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी दिया हुआ हो तो उसे ऐड कर देंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया होगा तो उसे लेस कर देंगे। जनरली जो टर्म हम लोगों को यूज़ करना रहा है इसी टर्म को हम लोगों ने यहाँ पर पुट किया है। अब इसके अकाउंटिंग ट्रीटमेंट की बात करें तो फॉर अलाइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की बात करें तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल या करेंट अकाउंट। करेंट वर्ड हम तब यूज़ करते हैं जब कैपिटल फिक्स्ड नेचर का होगा, और फ्लैक्चुएटिंग वर्ड यूज़ करेंगे अगर होगा फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल तो हम लोग कैपिटल वर्ड यूज़ करते हैं। फॉर ट्रांसफ़र ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट। हम इस एंट्री को पहला कर सकते हैं, सेकंड में इसको रख सकते हैं, या इसे पहला कीजिए इसे दूसरा कीजिए, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। हर एंट्री के बाद नरेशन लिखना कंपलसरी है, बिना नरेशन के एंट्री को पूरा नहीं माना जा सकता है, इसलिए नरेशन आप ज़रूर से लिखोगे। अब हम लोग सेकंड टर्म कंडीशंस कैलकुलेशन एंड अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की बात करें। कैसे कैलकुलेट होगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग सबसे पहले ये जानते हैं। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को कैलकुलेट करने के लिए एक बात, इनमें दो कंडीशन से, पहला टर्म है कि इफ़ पर एनम वर्ड इज़ गिवन अलोंग विथ रेट ऑफ इंटरेस्ट, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ पर एनम वर्ड दिया होगा तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इक्वल्स टू टोटल ड्राइंग इंटू रेट बाई 100 इंटू एवरेज पीरियड बाई 12। लेकिन अगर हम लोग हमारे क्वेश्चन में इंटरेस्ट के साथ रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ अगर पर एनम वर्ड नहीं दिया होगा तो इसके लिए एक दूसरा फार्मूला है, आइए इसके बारे में समझते हैं। अगर हमारे क्वेश्चन में रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ पर एनम वर्ड नहीं दिया होगा तब क्या करेंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इक्वल्स टू टोटल ड्राइंग इंटू रेट बाई 100, यहाँ एवरेज पीरियड कंसिडर नहीं करते हैं। याद रखेंगे एवरेज पीरियड को फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास कुछ कंडीशन है, कुछ बेसिक टर्म है, बहुत सारे एवरेज पीरियड आप इससे निकाल सकते हो। तो एवरेज पीरियड को फाइंड आउट करने के लिए कुछ बेसिक टर्म कंडीशंस को समझिए। इफ फिक्स्ड अमाउंट इज विदड्रॉन ड्यूरिंग द ईयर, मीन्स अगर हमारे क्वेश्चन में डेट ऑफ ड्रॉइंग नहीं दिया हो, ड्यूरिंग द ईयर अगर हम पैसा विदड्रॉ करते हैं तो ऐसे परिस्थिति में एवरेज पीरियड 6 मंथ का ही होता है। इफ अमाउंट इज विदड्रॉन एट डिफरेंट डेट्स एंड डिफरेंट टाइम इंटरवल देन इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग इज कैलकुलेटेड विद द हेल्प ऑफ प्रोडक्ट मैथड।
प्रोडक्ट मेथड डिफरेंट डेट पर और डिफरेंट टाइम इंटरवल पर अगर हम पैसा निकालते हैं, पैसे को विड्रॉ करने का हमारे पास कोई निश्चित रूल नहीं है, तो ऐसे कंडीशन में हमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को कैलकुलेट करने के लिए प्रोडक्ट मेथड अप्लाई करना होता है, और ऐसे परिस्थिति में एवरेज पीरियड 1 मंथ का होता है। इफ फिक्स्ड अमाउंट इज विड्रॉन इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, आइदर क्वार्टर आइदर हाफ ईयर, ड्यूरिंग द ईयर, ड्यूरिंग द ईयर या ड्यूरिंग द 10 मंथ या ड्यूरिंग द 11 मंथ, इसी के बेस पर सारा चीज़ डिपेंड करता है। बिगिनिंग अगर होगा तो एवरेज पीरियड को फाइंड आउट करने के लिए टोटल मंथ में ऐड कर देते हैं टाइम इंटरवल को एंड उसको डिवाइड कर देते हैं 2 से, तो हमको एवरेज पीरियड पता चल जाएगा। सपोज ड्यूरिंग द ईयर आपको बोला गया है बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, मीन्स ईयर में 12 मंथ होते हैं, टोटल मंथ 12 प्लस टाइम का इंटरवल 1 मंथ का आ रहा है, तो 12 + 1 = 13 डिवाइडेड बाई 2 करते हैं तो 6.5 एवरेज पीरियड होगा। इसी तरीके से आप कोई भी एवरेज पीरियड आप निकाल सकते हो बिगिनिंग के लिए। अगर हम लोग नेक्स्ट की बात करें, इफ फिक्स्ड अमाउंट इज विड्रॉन इन द मिडिल ऑफ एवरी मंथ आइदर क्वार्टर आइदर हाफ ईयर ड्यूरिंग द ईयर, एवरेज पीरियड पॉइंट आउट करने के लिए बड़ा सिंपल तरीका है टोटल मंथ्स डिवाइडेड बाय 2। और अगर हमारे क्वेश्चन में इफ फिक्स्ड अमाउंट इज विड्रॉन एट द एंड ऑफ एवरी मंथ एवरी क्वार्टर एवरी हाफ ईयर ड्यूरिंग द ईयर, ड्यूरिंग द ईयर, ड्यूरिंग द हाफ ईयर, ड्यूरिंग द 11 मंथ, ड्यूरिंग द 10 मंथ, इसी पर सारा चीज डिपेंड करता है। ध्यान रखना है कि टोटल मंथ हमको यहीं से लेना है, ड्यूरिंग द 10 मंथ बोलेगा तो टोटल मंथ 10, ड्यूरिंग द 11 मंथ बोलेगा तो टोटल मंथ 11, ड्यूरिंग द हाफ ईयर बोलेगा तो टोटल मंथ 6, तो इसी के बेस पर सारा चीज़ एवरेज पीरियड निकलता है। तो एवरेज पीरियड के लिए टोटल मंथ माइनस टाइम इंटरवल डिवाइडेड बाई 2, ये एंड का केस होगा। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट की बात करें तो फॉर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पार्टनर्स कैपिटल आइदर करंट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट एंड ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के लिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये था इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के कंडीशन। अब थर्ड नंबर हम लोग कैलकुलेशन एंड अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन की बात करें। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन को फाइंड आउट करने के लिए पार्टनर्स लोन इंटू रेट बाई 100 इंटू टाइम फैक्टर इफ, मीन्स अगर कंप्लीट ईयर का इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है तो टाइम फैक्टर अप्लाई नहीं करेंगे, लेकिन अगर कंप्लीट ईयर का इंटरेस्ट फाइंड आउट नहीं करना है तो टाइम फैक्टर अप्लाई होगा। इसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगी? तो फॉर अलाउंग इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन के लिए इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स लोन अकाउंट एंड इनके सेकंड टर्म कंडीशंस के लिए फॉर ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट के लिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन अकाउंट। नेक्स्ट कैलकुलेशन एंड अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ पार्टनर सैलरी कैलकुलेशन। सैलरी का कैलकुलेशन सिंपल है, पर मंथ के बेस पर दिया होगा इंटू 12 कर देंगे, ईयरली अमाउंट पता चल जाएगा। ईयरली अमाउंट दिया होगा, आपको किसी चीज़ की कन्वर्जन करने की ज़रूरत नहीं, डायरेक्ट उस अमाउंट को ले लेंगे एज पर द डीड हमारा जो कंडीशंस दिया होगा। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा? तो पार्टनर सैलरी अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल आइदर करंट अकाउंट और फॉर ट्रांसफर प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर सैलरी अकाउंट। नंबर 5 में कैलकुलेशन एंड अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ पार्टनर्स कमीशन, जिसमें कैलकुलेशन में 2 टर्म है, बिफोर चार्जिंग सच कमीशन एंड आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। बिफोर चार्जिंग का फॉर्मूला हो जाएगा प्रॉफिट इंटू रेट बाई 100 एंड आफ्टर चार्जिंग के लिए हम लोग अप्लाई करते हैं प्रॉफिट इंटू रेट डिवाइडेड बाई 100 प्लस रेट। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट पार्टनर सैलरी पार्टनर्स कमीशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल आइदर करंट अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कमीशन अकाउंट। नंबर 6 में कैलकुलेशन एंड अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ अमाउंट ट्रांसफर टू रिजर्व। याद रखिएगा कैलकुलेशन के टर्म कंडीशन में एज पर द डीड जैसा कहेगा वैसा हमको कैलकुलेशन करना है। क्वेश्चन का जो रिक्वायरमेंट होगा उसी के बेस पर हमें इंटरेस्ट कैलकुलेट कर दे सॉरी अमाउंट ट्रांसफर टू रिजर्व कैलकुलेट कर देना है। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा? तो फॉर ट्रांसफर ऑफ रिजर्व के लिए प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू रिजर्व अकाउंट। ये टर्म कंडीशंस हमारे अमाउंट ट्रांसफर टू रिजर्व के हैं। नेक्स्ट नंबर 7 नंबर पॉइंट में हम लोग अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉफिट टू अप्रोप्रिएशन
प्रॉफिट को एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर करने के लिए तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट इस टर्म कंडीशंस को अप्लाई करते हैं। अगर हमें प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते समय प्रॉफिट होता होगा या लॉस होता होगा तो उसके डिस्ट्रीब्यूशन की अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगी। इफ़ प्रॉफिट एज पर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल आइदर करंट अकाउंट, और लॉस के लिए पार्टनर्स कैपिटल आइदर करंट अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये टर्म कंडीशंस हमारे बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इन्हें हम लोगों को याद रखना और ध्यान में रखना बेहद जरूरी है। आगे के लिए आप लोगों को नेक्स्ट टर्म कंडीशंस बताऊँगा। थैंक यू।